हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं जा रहा हूं लवासा के लिए। ये जो आप ब्यूटी देख रहे हैं ये है ऑन रूट ब्यूटी, लवासा जाते टाइम आपको देखने को मिलेगी। और यहां पे पीछे आप डैम वगैरह भी देख रहे होंगे। तो लवासा कैसे जा सकते हैं, क्या टूर प्लान, क्या बजट होगा, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लवासा पड़ता है महाराष्ट्र में और पुणे से लगभग 60-70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। और आप बाइक से भी जा सकते हैं और साथ ही साथ आप कार वगैरह से जा सकते हैं, बसेस वगैरह आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे जाकर बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस तो देखेंगे ही, साथ साथ जब आप रास्ते में जाएंगे तो काफ़ी सारी आपको ब्यूटीफुल व्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए लवासा। लवासा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और पुणे से अराउंड 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। मुंबई से इसकी डिस्टेंस 190 किलोमीटर है। लवासा एक प्राइवेट और प्लांट सिटी है और ये इटली के पोर्टोफिनो टाउन के बेस पर बनाया गया है। और यहाँ के कई स्ट्रीट्स और बिल्डिंग्स के नाम भी पोर्टोफिनो टाउन के अकॉर्डिंग ही रखे गए हैं। अभी मैं लवासा के हाईवे पे हूँ, जा रहा हूँ रास्ते में और मॉर्निंग के लगभग 7 बजने वाले हैं। और सुबह सुबह मैंने ये स्कूटी ली है, ये एक्चुअली मेरी नहीं है, फ्रेंड की है मेरे, और इसी से मैं जाऊँगा लवासा तक। और अगर आप लेना चाहते हैं स्कूटी वगैरह तो आप पुणे से रेंट कर सकते हैं, मिल जाएगी आपको 500-600 तक में स्कूटी मिल जाएगी और इससे आप जाएँ। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 70 किलोमीटर की डिस्टेंस, 60-70 किलोमीटर। आप पुणे में कहाँ रहते हैं, किस लोकेशन पे, उस पर डिपेंड करता है। और फिर वहाँ से आप इजीली जा सकते हैं लवासा तक के लिए। तो फिलहाल मैं इसी से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। लवासा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ जाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन स्कूटी का या बाइक का ही है, या फिर आप चाहें तो बाई टैक्सी भी जा सकते हैं। टैक्सी आपको अप एंड डाउन के लिए 3-4 हज़ार में मिल जाएगी। लवासा के रास्ते पे आपको कई सारे व्यूज़ देखने को मिलेंगे और उसमें से एक ये है, आपको कैमरे में शायद उतना क्लियर नहीं दिख रहा हो बट यहाँ पे आप देखेंगे ये बादल ऊपर दिख रहे होंगे। ऐसा माउंट बतूर पे मैं जब बाली में था तब दिखा था और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा था, बट यहाँ पे थोड़े कम है, बट फिर भी काफ़ी अमेजिंग है। और साथ ही साथ छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, पहाड़ तो है ही और पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू आपको यहाँ पे दिखेगा। जब आप अपनी आइज से देखेंगे यहाँ पे आके तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। अभी मैं लवासा के रास्ते पे ही हूँ और यहाँ पे मैं रुका हूँ आमराले मिसल, ये रेस्टोरेंट का नाम है। और यहाँ पे मैंने ये पोहा लिया है, 40 रुपीज़ का ये पोहा है और ये आप व्यूज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, टेस्टी भी है। और यहाँ पे सुबह सुबह आप आएँगे तो थोड़ी ठंड भी लगेगी, मैं और स्कूटी से हूँ, थोड़ी ठंड लग रही है बट अच्छा लगेगा आपको। और चाय वगैरह पी लें तो थोड़ी गर्मी भी आ जाएगी। तो भागे ही जा रहा है, रुक जा बेटा, ये देखो। हाय, क्या नाम है आपका? मिल गया मुझे। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये है टेमघर डैम और यहाँ से लवासा केवल 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रह जाता है। यहाँ पर जो डैम का पानी है यहाँ पर केवल कपड़े धो रहे हैं लोग और तो कुछ नहीं होगा। हालांकि मॉनसून वगैरह में जब ओपन होता होगा तो बहुत ही अमेजिंग व्यू भी दिखता होगा यहाँ से, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ का डैम है और इसके बैक साइड में पूरा भरा होता है पानी, तो काफ़ी यहाँ पर आपको उस टाइम खूबसूरत व्यू मिलेगा। और वैसे भी लवासा वगैरह ऐसी जगह है जो कि मॉनसून में बेस्ट टाइम होता है जाने का, और अभी भी अच्छा है, अभी भी मुझे तो अच्छा लग रहा है। बढ़िया, जब ओपन हो जाएगा तब ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। फिलहाल यहाँ कपड़े धोए जा रहे हैं, शायद आपको ना दिखे। टेमघर डैम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में चल रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने पर आप इसके बैक साइड में भरे पानी को भी देख सकते हैं जो कि मानसून में पूरा भरा हुआ होता है।
तो मैडम कैसा लग रहा है आपको ये टेमघर डैम? इट्स लाइक यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है okay. और लोग यहाँ पे सिर्फ कपड़े धो सकते हैं और आई गेस पानी का जो लेवल है वो इतना कम है कि अगर ग्लास भी डालो तो पानी नहीं आएगा. इट्स लाइक दैट. बट मे बी मानसून में यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू होगा. ऑब्वियसली मानसून में काफी अच्छा लगेगा. बाकी यहाँ के जो रोड्स है ना वो बड़े मजेदार है. मतलब आप रुक रुक के हर जगह व्यूज को एंजॉय करें. पुणे से लवासा पहुंचने के लिए वैसे तो 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, पर आप आराम से जाएं क्योंकि रास्ते के व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं. तो थोड़ा रुककर और खाते पीते हुए जाएं. लवासा में मैं पहुंच चुका हूं और पहुंचते ही आपको यहां पर सबसे पहले रुकना पड़ेगा. यहां पर आपको पे करना पड़ेगा यहां की अंदर की पार्किंग वगैरह के लिए, जो कि 1 टाइम पेमेंट होता है. 200 रुपीज़ लगता है 2-व्हीलर का, 4-व्हीलर का लगता है 500 रुपीज़ और 1000 हैवी व्हीकल का लगता है. थोड़ा कॉस्टली आपको पड़ेगा, बट ये 1 टाइम पेमेंट होता है. अगर आप हफ्ते भर या 3-4 दिन भी रुकते हैं तो आपके लिए कम ही रहेगा. कहीं भी आप पार्किंग वगैरह कर सकते हैं. और यहाँ पे आप चाहे तो ऑनलाइन पेमेंट मींस कार्ड पेमेंट कर सकते हैं. ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, कार्ड वगैरह के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं. तो यहीं पे ये लोकेशन है, इसके बाद आप अंदर जाके घूम फिर सकते हैं. लवासा में एंट्री करते ही आपको कई सारे लग्जरी बंगले दिखाई देंगे. अब मैं आ चुका हूँ लवासा के टाउन हॉल में और यहाँ से आपको लेक व्यू पूरा दिखेगा. साथ ही साथ यहाँ पे आप ये सामने देख रहे होंगे लवासा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है. इसके साथ ही साथ यहाँ पे वुमेंस डे वगैरह के लिए प्रिपरेशन वगैरह चल रही है. पूरा अरेंजमेंट वगैरह भी चल रहा है, हो रहा है. और यहाँ पे शाम को आप आएंगे ना तो बहुत अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा. यहीं पे पास में मार्केट्स वगैरह भी हैं जहाँ पे आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं. साथ ही साथ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वहाँ पे भी आप जाके खाने वाने कर सकते हैं. और बाकी यहाँ पे काफ़ी आपको देखेंगे प्री वेडिंग्स वगैरह चलती रहती हैं, उसके शूट्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी होते हैं. और उधर आप देख रहे होंगे, शायद दिख नहीं रहा होगा, बट साइकिलिंग वगैरह भी कर रहे हैं लोग. बाहर भी साइकिलिंग वगैरह के लिए जोन है और आगे बोटिंग वगैरह के लिए ऑप्शन है. अभी मैं आगे जाके सब आपको दिखाता हूँ. यहाँ लेक में आप बोटिंग भी कर सकते हैं जिसके अलग अलग चार्जेस हैं. यहाँ टाउन हॉल पर आपको काफ़ी कलरफुल बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी और यहीं पर सारी मार्केट्स भी है. आप चाहें तो यहाँ पर साइकिलिंग भी कर सकते हैं जिसका आधे घंटे का 200 रुपये लगता है. अभी मैं आ गया हूँ टाउन हॉल में और यहाँ पर आप देखेंगे कई सारी यहाँ पे शॉप्स वगैरह आपको दिख जाएंगी. यहाँ पर इवनिंग में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और काफ़ी लोग आते हैं. मार्केट्स वगैरह हैं यहाँ पर, कुछ शॉपिंग कर सकते हैं आप. खाने पीने की काफ़ी शॉप्स है, काफ़ी भी सकते हैं और व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं. साथ ही साथ लाइटिंग्स वगैरह हो जाती हैं तो और भी ब्यूटीफुल ये प्लेस आपको लगेगी. यहाँ खाने पीने की चीज़ें आपको एवरेज प्राइस पर ही मिल जाएगी. अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो उसके अलग अलग चार्जेस हैं, पर इसमें से ज़्यादातर एक्टिविटीज़ अभी क्लोज ही थी. यहाँ समय समय पर कुछ इवेंट्स भी होते रहते हैं. लवासा में मैं आया हूँ 7 मार्च को और कल है यहाँ पे वुमेंस डे 8 मार्च को. और कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह वुमेंस डे के लिए स्पेशल वीकेंड बनाया गया है. तो यहाँ पर बाइसिकल रेस होगी मेन के लिए, जिसका फर्स्ट प्राइज़ है 3000 है टोएबल राइड एट वाटर स्पोर्ट्स. और सेकेंड है म्यूजिकल चेयर वुमेंस के लिए और उसमें विनर को मिलता है 2000 रुपीज़ एंड क्रूज बोट राइड. 2000 रुपीज़ क्यों मिल रहा है?
और इनको 3000 क्यूमेंस के लिए मतलब इक्वल होना चाहिए और वुमेंस डे या इवन ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मुझे कुछ नहीं समझ आया, ये मुझे दिखाया है पूजा ने, बताओ क्या क्या लग रहा है, इसको फील क्या आ रहा है देख के? एक्चुअली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो मैंने देखा ये कि प्राइस में इतना डिफरेंस है। इनफैक्ट वुमेंस डे पे वुमेंस को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, एक दिन के लिए तो हम लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखा देना चाहिए। बट यहाँ पे आई थिंक कुछ उल्टा ही हो रहा है, लाइक वुमेंस को 2000 रुपीज एंड मेंस को 3000। एक्टिविटीज करा रहे हैं ठीक है, बट एटलीस्ट इक्वल तो रखना चाहिए, बट वो नहीं है। तो ये चीज़ें आउट ऑफ माइंड है मेरे। आप यहाँ के ब्रिज पर जरूर जाएं, जहाँ से आपको लेक व्यू देखने को मिलेगा। मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे लवासा का ये लेक। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ये आपको यहाँ पे लाइन से दिखेंगी, इधर थोड़ी और बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, और यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो ये पूरी लवासा सिटी बनी है, ये इटली के एक टाउन पोर्टोफिनो के नेम पर बनी है, और उसी के मतलब नेम क्या पूरे उसी के अकॉर्डिंग बनी हुई है। वहाँ पे भी आपको ऐसे ही कुछ दिखेगा, और ये जो आप देख रहे होंगे ना अमेजिंग लुक आपको दिखेगा यहाँ से, पूरा ये लेक है, और लगेगा कि आपका यहाँ पे घर होना चाहिए। बहुत कॉस्टली यहाँ पे घर है, और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे आपको कह सकते हैं बंगलो वगैरह भी देखने को मिलेंगे। और बाकी ये लेक जो दिखता है ना काफ़ी अमेजिंग लगेगा, और इवनिंग में यहाँ का व्यू और भी अमेजिंग हो जाता है। साथ ही साथ इधर भी आप लेक वगैरह देख सकते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी प्लेस आपको ये लगेगी, और मज़ा आपको आएगा यहाँ पे। लवासा में आपको ऐसे कई सारे रुके हुए प्रोजेक्ट्स वगैरह दिख जाएंगे, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये दिखेंगे। अब किस वजह से हुआ है ये तो नहीं मालूम, ये तो ऐसा लग रहा है कि जब बनाया था तो सोचा बना लिया इतना, तो फिर सोचा होगा क्या बना रहा हूँ, समझ भी नहीं है, खुद ही कंफ्यूज हो गए होंगे। बट मतलब ऐसे आपको कई सारे दिख जाएंगे बिल्डिंग्स वगैरह जो कि मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में भी नहीं है, मतलब रुक गए हैं और काफ़ी दिनों से रुके हुए हैं, और ऐसे कई बिल्डिंग्स यहाँ पे दिख रहे हैं। शायद वही रियल इस्टेट की जो मंदी का यही सब खामियाजा दिख रहा है, बहुत सारे लोगों के पैसे भी इसमें लगे होंगे, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो लवासा की वीडियो आपने देख ली होगी, और देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो कोई प्लेस ही नहीं है घूमने के लिए, और ये बात सच भी है कि यहाँ पर कोई प्लेस नहीं है घूमने के लिए। लवासा एक प्राइवेट सिटी है, और जो कि बैंकक्रप्ट हो चुकी है, लगभग 6000 करोड़ का डेब्ट है, और इस वजह से यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो पूरी तरह से रुक चुका है, और काफ़ी यहाँ पे जैसे नेचर वगैरह को लॉस हो रहा था उस वजह से सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह बंद किए गए हैं, और बैंकक्रप्ट वगैरह भी हो गई है लवासा कॉर्पोरेशन जो है। तो इस वजह से यहाँ पे अभी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह भी थी, एक्टिविटीज़ वगैरह भी काफ़ी सारी थी, वो क्लोज़ हो चुकी है। वो मैंने देखा इवनिंग में, मैंने आपको इसीलिए नहीं दिखा पाया मार्केट क्योंकि वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा था, पूरे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह थे वो पूरे क्लोज़ हो चुके थे। लगभग 1.5 साल पहले तक सब कुछ ठीक था, बट उसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम हो गई। तो आप अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो क्या खर्चा वगैरह लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप यहाँ पे स्टे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डे ट्रिप करें, पुणे में आप आए, पुणे से आप डे ट्रिप करें यहाँ के लिए, और इवनिंग में आप जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे रुकने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप अननेसेसरी खर्च करेंगे, क्योंकि होटल्स वगैरह जो आपको यहाँ पर मिलेंगे वो अराउंड मिल सकते हैं 1500 रुपीज़ तक में मिल जाएंगे, और इवन कुछ मॉनसून वगैरह में कैंपिंग वगैरह होती है, वो सब आप चाहें तो कर सकते हैं, पर वो भी पता नहीं आगे आने वाले मॉनसून में होगी कि नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लोज़ हो चुकी हैं क्योंकि काफ़ी लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे फिर भी मैं जो डे ट्रिप का खर्चा है वो मैं बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे होटल तो लेना नहीं है, आपको डे ट्रिप करना है, तो मील्स का खर्चा अराउंड 500 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन का अराउंड आपका 1000 से 1500 रुपये का खर्चा आ सकता है। तो ओवरऑल अगर खर्चा आप देखेंगे तो पर पर्सन पर आपका आ सकता है अराउंड आएगा 1500 से 2000 आएगा। अगर आपकी खुद की बाइक वगैरह है तो आपका 1000 रुपये से कम में भी काम हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे होने वाला नहीं है अगर आप डे ट्रिप करते हैं, और डे ट्रिप ही करें मैं ये सजेशन दूंगा। और यहाँ पे मतलब अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही है, इसी वजह से यहाँ का डेवलपमेंट रुक गया। मैंने वीडियो में दिखाई काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन जो थे पूरे मतलब काफ़ी होने के बाद रुक गए थे, तो ये मतलब काफ़ी आप कह सकते हो लॉस के दौर से गुजर रहा है, और ये एग्जांपल है कि अगर आप नेचर को लॉस कर रहे हैं तो कोर्ट भी उस पर काम कर रही है, बंद कर रही है कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ हो, क्वेरी हो, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फ्रेंड्स।